अगर मुझे नई कार लेनी है या फिर मेरे फैमिली मेंबर को नई कार लेनी है, तो न्यू या फिर सेकेंड हैंड कार लेने से पहले बहुत सारे पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन एक पैरामीटर ऐसा है जो कि कॉमन है, जो कि हर एक बंदा न्यू कार या फिर सेकेंड हैंड कार लेने से पहले इस चीज़ को कंसिडर करता ही है, और ये पैरामीटर है माइलेज। हालांकि जब आप गूगल पर सर्च करते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो, तो वहाँ पर आपको माइलेज बताया जाता है किसी कार का 20 किलोमीटर पर लीटर का, 22 किलोमीटर पर लीटर का, 25 किलोमीटर पर लीटर का, या फिर कुछ वीडियोस में आपको 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी बताया जाता है। लेकिन इन रियलिटी जब आप उस कार को चलाते हो, जब आप माइलेज निकालते हो, तो वहां पर आपको माइलेज मिलता है सिर्फ 10 km/h का, या फिर कुछ केसेस में वो 12 के ऊपर भी चला जाता है। खैर, माइलेज टोटली डिपेंड करता है आप कार को कैसे चलाते हो, आप कार को किधर चलाते हो। लेकिन ये जो माइलेज बताया जाता है गूगल पर या फिर यूट्यूब वीडियोज पर, वो माइलेज ARAI का क्लेम होता है। यानी ARAI ऐसी संस्था है जो कि कारों का माइलेज टेस्ट करती है, और कारों को उस कंडीशन के अंदर ड्राइव किया जाता है जहां पर कार ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे सके। तो उसी वजह से आपने यहां पर माइलेज काफी ज्यादा देखा होगा यूट्यूब पर या फिर गूगल पर इन चीजों के बारे में सर्च करते हो। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं उन ऐसे भी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आज के डेट में आपको सबसे ज्यादा माइलेज देती है CNG किट के साथ और पेट्रोल इंजन के साथ। अगर आपका बजट है 8 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में, और इस प्राइस रेंज में आप एक अच्छी SUV कार ढूंढ रहे हैं, आपको चाहिए ज्यादा फीचर्स, आपको अच्छा खासा इंटीरियर चाहिए, आपको अच्छी दिखने वाली कार चाहिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन SUV कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, अच्छा खासा माइलेज देगी। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने ब्रेजा का CNG मॉडल रखा है, जिसको 2 दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब आपको ब्रेजा के अंदर CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेजा के बेस मॉडल के अंदर भी आपको CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके टॉप मॉडल के अंदर भी मारुति सुजुकी ने CNG किट ऑफर किया है। लेकिन मारुति सुजुकी की बाकी कारों के अंदर आपको ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर सिर्फ एक या फिर 2 वेरिएंट के अंदर मारुति सुजुकी CNG किट ऑफर करती है। तो यहां पर जिन लोगों को ब्रेजा लेनी है, उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन गुड न्यूज है। यहां पर आपको बेस मॉडल के अंदर भी CNG किट मिल जाएगा, और टॉप मॉडल के अंदर भी आपको CNG किट का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपको ब्रेजा का बेस मॉडल लेना है CNG किट के साथ, जो कि है LXi वेरिएंट, इस LXi वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 9,14,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एक्शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 9,77,000 रुपीज तक चली जाती है। हालांकि कुछ सीरीज में ये ऑन रोड प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। VXi मॉडल के अंदर भी आपको CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा, और VXi मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,49,000 रुपीज, ये एक्शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 12,16,000 रुपीज तक चली जाती है। अगर आपको ब्रेजा का टॉप मॉडल लेना है और उसके अंदर आपको CNG किट चाहिए, तो आप इसका ZXi ड्यूल टोन वाला मॉडल परचेस कर सकते हो। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 12,05,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक्सशोरूम प्राइस के तौर पर, और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 13,95,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, लुक मिलेगा, और इंटीरियर में आपको काफी बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी मॉडल की प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो पॉज कर सभी मॉडल के प्राइसेस देख सकते हैं। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो यहाँ पर ब्रेजा CNG के अंदर आपको वही इंजन मिलेगा जो कि आज के डेट में ग्रैंड विटारा के अंदर दिया जाता है, XL6 के अंदर दिया जाता है, अल्टिगा के अंदर दिया जाता है, और सेम इंजन के साथ आपको CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 88 PS की पावर आउटपुट और 121 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक पावर आउटपुट मिलने वाली है, और ब्रेजा CNG किट के साथ लगभग 25.51 km/kg का माइलेज दे देती है। हालांकि ये माइलेज ARAI ने क्लेम किया है, जब आप इस कार को चलाओगे तो आपको हाईवे के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट माइलेज मिल सकता है, और सिटी में आपको थोड़ा सा कम माइलेज मिल सकता है। लेकिन ARAI ने इसका माइलेज क्लेम किया है 25.51 km/kg का। खैर, ब्रेजा पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 19 से लेकर 20 km/l का माइलेज दे देती है, ये भी माइलेज ARAI ने क्लेम किया है। अगर आपको ब्रेजा को बुक करना है और आप जानना चाहते हो कि इसके ऊपर वेटिंग पीरियड कितना है, तो आपको बताना चाहूंगा कुछ सिटीज में ब्रेजा के ऊपर लगभग 3 महीनों से लेकर 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, और कुछ सिटीज में लगभग 8 महीनों से लेकर 10 महीनों का वेटिंग पीरियड आपको ब्रेजा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी अलग अलग सिटीज में इसके ऊपर अलग अलग वेटिंग पीरियड चल रहा है। और यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर बताना चाहूंगा, इसके CNG मॉडल के ऊपर
ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसके सीएनजी मॉडल की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आज के डेट में अर्टिगा के पेट्रोल मॉडल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिमांड आपको अर्टिगा के सीएनजी मॉडल की देखने को मिल जाएगी, यानी सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। सेम चीज़ आपको आने वाले समय में ब्रेजा के साथ भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको आने वाले समय में ब्रेजा ही लेनी है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप जल्दी से जल्दी इसको बुक कर सकते हैं ताकि आपको इस कार की डिलीवरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस कार के ऊपर आपकी सीरीज में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 2023 में आप ब्रेजा का सीएनजी मॉडल खरीद सकते हैं आराम से आंख बंद कर। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है तो आप इसका एलेक्सा मॉडल परचेस कर सकते हैं, जो कि है बेस वेरिएंट। आपको बेस मॉडल के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और 10 लाख रुपए के ऑन रोड कीमत के अंदर आपको ब्रेजा का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा, जहां पर आपको माइलेज मिलेगा। इसका लुक भी काफी बेहतरीन है, हालांकि इंटीरियर में आपको इतने बेहतरीन फीचर्स नहीं मिलेंगे। आप आफ्टर मार्केट चीजें लगवा सकते हैं, जब भी आपका बजट हो तब जाकर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए ब्रेजा के अंदर तो आप इसका टॉप मॉडल खरीद सकते हैं सीएनजी किट के साथ, जो कि है ZXI ड्यूल टोन वाला वेरिएंट। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 14 लाख रुपीस ऑन रोड प्राइस के तौर पर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रेजा का सीएनजी मॉडल आपके लिए 2023 में एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। सेकंड पोजीशन मैंने टोयोटा की हाइराइडर को रखा है, जिसका सीएनजी मॉडल भी कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और 2023 में आप हाइराइडर का सीएनजी मॉडल खरीद सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी दिखने वाली कार चाहिए, नया लुक चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए टोयोटा हाइराइडर एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। और टोयोटा हाइराइडर के दो वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका सेकंड बेस वेरिएंट है एस, इसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके जी वेरिएंट के अंदर, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके एस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 13,23,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ये एक्सशोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है। और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 15,03,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर 15 लाख के बजट में आपको टोयोटा हाइराइडर का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा, जो कि है इसका सेकंड बेस वेरिएंट। अगर आपको टॉप वेरिएंट के साथ जाना है तो आप इसका जी वेरिएंट खरीद सकते हैं। इस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस है 15,29,000 रुपीज और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 17,35,000 रुपीज तक चली जाती है, यानी 17 लाख रुपए के ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके जी वेरिएंट को परचेस करने के लिए। और यहाँ पर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको सीएनजी किट नहीं चाहिए और आपको टोयोटा हाइराइडर के अंदर ज्यादा माइलेज चाहिए, लगभग 25 के ऊपर आपको माइलेज चाहिए, तो आप टोयोटा हाइराइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल परचेस कर सकते हो, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है लगभग 21 लाख रुपीज से। अगर आपको सीएनजी मॉडल नहीं चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के साथ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप बाकी सीएनजी मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको लगभग सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलेगा और ये कार लगभग 87 bhp की पावर आउटपुट और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। सीएनजी किट के साथ टोयोटा हाइराइडर के अंदर आपको 26.6 किलोमीटर पर kg का माइलेज मिलेगा और इसका माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगभग 21.12 का माइलेज दे देता है और इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लगभग 28 का माइलेज दे देता है। और ये माइलेज एआई ने क्लेम किया है, इन रियलिटी आपको माइलेज कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं तो टोयोटा हाइराइडर के अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर आपको अलग अलग वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, यानी इसके माइल्ड हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लगभग 3 महीनों से लेकर 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है और इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लगभग 6 महीनों से लेकर 12 महीने का वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोयोटा हाइराइडर के अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर आपको अलग अलग वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लास्ट नंबर पर मैंने ग्रैंड विटारा को रखा है, जो कि आज के डेट में पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तबाही सी मचा रही है और हर महीने ग्रैंड विटारा के 7,000, 8,000 या फिर कभी कभी 9,000 यूनिट भी बिक रहे हैं। यानी ग्रैंड विटारा हर महीने कार सेल्स रिपोर्ट में टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना रही है। तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ग्रैंड विटारा के डेल्टा और जेटा वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा। इसके डेल्टा मॉडल को परचेस करने के लिए आपको 12,85,000 रुपीज देने पड़ेंगे और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 14,60,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर इसके सीएनजी मॉडल की कीमत आपको टोयोटा हाइराइडर के सीएनजी मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको 40,000 से लेकर 45,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इतने पैसे बचाना चाहते हो तो आप ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हो, जो कि है डेल्टा वेरिएंट, या फिर आप सिंपली टोयोटा हाइराइडर के साथ भी जा सकते हैं। ग्रैंड विटारा के जेटा मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस
स्टार्ट होती है 14,84,000 रुपीज़ से और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 16,84,000 रुपीज़ तक चली जाती है, यानी 17 लाख रुपए के अंदर आपको जेटा वेरिएंट मिलने वाला है ग्रैंड विटारा का। लेकिन दूसरी तरफ जो हाई राइडर है उसके जी मॉडल को खरीदने के लिए आपको 17,35,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आपके सामने है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा की कीमत कम है एज कम्पेयर टू टोयोटा की हाई राइडर। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स है और वहाँ पर टैक्सेस भी आ जाते हैं। खैर उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लेना है और आपका बजट है 21 लाख के आसपास, तो आप इसका जेटा प्लस वेरिएंट परचेस कर सकते हैं जो कि आता है सीवीटी गियरबॉक्स के साथ और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 21,11,000 रुपीज़ तक चली जाती है। तो ये एंट्री लेवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है। इस मॉडल के अंदर आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है। अगर आपको सीएनजी किट नहीं चाहिए तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। खैर अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको लगभग सेम इंजन मिलेगा और ये कार लगभग 26.6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है सीएनजी किट के साथ और माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ 21.12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको लगभग 28 का माइलेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो ग्रैंड विटारा को लेकर इसके अलावा टोयोटा हाई राइडर को लेकर, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। यहाँ पर ग्रैंड विटारा की जो कीमत है वो आपको टोयोटा हाई राइडर के मुकाबले लगभग 40,000 से लेकर 45,000 रुपए कम देखने को मिल जाएगी सीएनजी किट के लिए, और जो नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट आते हैं उसकी कीमत के अंदर आपको थोड़ा सा कम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं, तो उस केस में आप ग्रैंड विटारा के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस कार के ऊपर भी आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लगभग 8 महीने से लेकर 9 महीने का वेटिंग पीरियड इस कार के ऊपर चल रहा है। टोयोटा हाई राइडर से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड आपको ग्रैंड विटारा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है इन तीनों कारों के बारे में या फिर किसी और कार के बारे में, वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये तीन कार्स थी। इसके बाद मैं बेस्ट माइलेज कारों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं हैचबैक कारों को कवर करूंगा, सेडान कारों को कवर करूंगा और एसयूवी कारों को भी उस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन कारों को कवर किया है। जिन लोगों को इन तीनों में से एक कार को लेना है, शायद उन लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि ब्रेजा के सीएनजी मॉडल के अंदर, ग्रैंड विटारा के सीएनजी मॉडल के अंदर और टोयोटा हाई राइडर के सीएनजी मॉडल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।